बड़ी खबर आपको बताएं, माउंट त्रिशूल पर जारी है सर्च ऑपरेशन। 5,500 मीटर की ऊंचाई पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 डेड बॉडी को देखे जाने की जानकारी मिल रही है। 5 हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पर्वतारोही दल के 5 जवान एक पोर्टर भी लापता है। बड़ी जानकारी आपको दे, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कल मौसम खराब था जिस वजह से सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। रवि कैंथुरा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल जया, देखिए कल से सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर जो त्रिशूल पर्वत है उसमें जो लोग गए थे, 6 मिसिंग की सूचना कल से है। और जो सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है वो ये है कि त्रिशूल पर्वत पर जो हेलीकॉप्टर, 5 हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें 2 से 3 डेड बॉडी जो है दिखाई दी गई है, ऐसी जानकारी मिली है। क्योंकि जो निम है, नेहरू पर्वतारोहण और जो संस्थान है वो लगातार इस पर रेस्क्यू कर रहा है और इसके जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से 2 से 3 डेड बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का उन डेड बॉडी तक नहीं पहुंच पाई है सेना। और ऐसे में जल्द से जल्द और लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर जहां की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड है, मौसम वहां पर इतना अनुकूल नहीं है कि वहां पर जो रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन लगातार जो जवान है सेना के वो लगे हुए हैं, लगातार उनकी टीमें लगी हुई है। लेकिन जो बड़ा अपडेट वो ये है कि 2 से 3 डेड बॉडी हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिखाई दी गई है। जी रवि, जिस तरीके की स्थिति है, कल हिमस्खलन होने की वजह से ये लोग लापता हुए थे, अब बहुत कम संभावना है कि जो भी यहाँ पर देखा जाए वो जिंदा हो, इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता? निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है क्योंकि एवलांच के आने की चपेट में ये 6 लोग आए हैं और ऐसे में जिस तरीके का वहाँ पर मौसम है, जिस तरीके की वहाँ पर ऊंचाई है, 5,500 मीटर की ये ऊंचाई है और यहाँ पर क्योंकि काफी समय हो गया है, कल भी लगातार रेस्क्यू चलता रहा लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है कोई अनहोनी हुई हो। और ऐसे में 2 से 3 डेड बॉडी दिखाई देने की जो सूचना है ये कहीं ना कहीं इसी और जो है अंदेशा कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो लगातार जो 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए उनका रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अभी किस तरीके की स्थिति होती है, जो कि 6 लोगों की मिसिंग की बात है, तो वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जो 6 लोग मिसिंग हैं वो सुरक्षित निकाले जा सके। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, कल मौसम खराब होने की वजह से इसे रोका गया था, लेकिन रवि क्या आप जानकारी मिल रही है और कितना समय लग सकता है, कोई जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, क्योंकि लगातार कल से ही रेस्क्यू जारी है और जिस तरीके से मौसम साथ दे रहा है तो लगातार जो है रेस्क्यू को किया जा रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी लापता हुए हैं उनकी जो है पूरा पता किया जा सके कि वो किस हालत में है, क्योंकि जिस हिसाब से वक्त हो गया है, जिस वक्त को देखते हुए जिस हिसाब से वहाँ पर हाइट है, जो लगातार जो है एवलांच या फिर लगातार जो बर्फबारी का सिलसिला वो ऐसे चोटियों पर लगातार लगा रहता है, तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर वो सुरक्षित हो सकेंगे तो उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके, उनको सही जगह पर सही जो है मेडिकल मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रवि आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।